भीकनगांव से, भीकनगांव नगर परिषद ने घरों पर वितरित किए डस्टबिन। भीकनगांव नगर परिषद द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नगर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए नगर के वार्ड क्रमांक 11 से घरों में डस्टबिन वितरित कार्य किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने वार्ड के रहवासियों से कहा, घर से निकलने वाले गीला सूखा कचरा डस्टबिन में ही डालें और अपने घर आंगन को साफ स्वच्छ रखें। नगर परिषद द्वारा वार्ड में 400 डस्टबिन का वितरण किया। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष दीपक ठाकुर, प्रभारी CMO मनोज गंगराडे, नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नकुल कापसे, वार्ड 11 पार्षद गिरजाबाई, प्रेम सिंह चौहान, अखिलेश भार्गव, पीयूष वर्मा सहित नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित रहे। आज भीकनगांव नगर परिषद द्वारा डस्टबिन वितरण किए गए, क्या पूरा मामला? यह स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत पूरे शहर भर के अंदर प्रत्येक घरों के अंदर गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग के दृष्टिकोण से दो डस्टबिन प्रत्येक घरों के अंदर हमारा जो अभियान है नगर परिषद का, नगर परिषद परिवार का, उसी के तहत आज वार्ड क्रमांक 11 के अंदर और 12 के अंदर हमने अहिल्या माता की बावड़ी जो है वहाँ से हमने प्रारंभ करा था यह अभियान। और प्रत्येक घरों के अंदर यह हमको डस्टबिन नगर परिषद के माध्यम से पूरे शहर भर के अंदर वितरित होंगे। लगभग आज कितने डस्टबिन वितरित किए गए आपके द्वारा? लगभग 400-500 डस्टबिन हमने प्रत्येक घरों के अंदर जा कर हमारे पूरा नगर परिषद का अमला था, नगर परिषद के पूरे पार्षद की मेरी टीम थी, उनके द्वारा यह वितरण कार्यक्रम आज हमारा ये। वार्ड में क्या समझाइश दी गई आपके द्वारा आज? वार्ड के अंदर हमने समझाइश दी कि गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग, और जो हमारी गाड़ी जाती है स्वच्छता की, तो उसके माध्यम से आप उस डस्टबिन का उपयोग करते हुए और गाड़ी के अंदर उस कचरे को आप डालें। ये निवेदन हमने प्रत्येक घरों के अंदर करा और शहर भर के अंदर हमारा पूरे प्रत्येक वार्डवासियों से निवेदन है, प्रत्येक घर वालों से निवेदन है कि अलग अलग कचरा करते हुए इसका उपयोग करें। खबर भारत वर्ष के लिए भीकनगांव खरगोन से विकास श्रीवास की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।